है अभी, तो ये हमने फोल्डर चेन में खाया है, और इसको अगर हम लें तो ये हमारे पास थर्ड नंबर जो फिक्स हो रही है वो फोल्डर चेन में जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह हम अगर फोल्डर से पास में करेंगे तो वो भी देते हैं। तो तीसरा हिस्सा जो हमारे पास जो है वो ये है कि ओपन करते हैं गूगल पे, तो इसमें से कोई भी इमेज आप अगर वेब से देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका मैं इमेज का जस्ट ये इमेज का यूआरएल है, ठीक है, और इसको मैं क्या करता हूँ अब रेट में वेब एड्रेस दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं ब्रेक देता हूँ, ठीक है। इसको उसी तरह IMG टैग साथ स्टार्ट किया, और इसके बाद इसका यूआरएल इसके अंदर पेस्ट कर देंगे एज इट इज, ठीक है। और इसको भी आर्ट का एट्रीब्यूट देंगे, तो ये इसमें क्या हो रहा है हमारे पास, ये नेचर की टैग नेचर, ठीक है। तो इसकी वेट साइट है अगर सेट कर दें तो अच्छी बात है, ठीक है। तो मैंने इसकी वेट साइट हाइट क्या सेट कर दी, इसकी वेट 200 इंक्रीज करते हैं, इसको 400 कर देते हैं, और इसको कर देते हैं 250 कर देते हैं। मैं सेव करता हूँ और देखते हैं हमारे पास वेब पेज में क्या शो होता है। तो एंड में हमारे पास पिक्चर शो हो रही है, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ से आ रही है, डायरेक्ट हम नेट से खा रहे हैं, यानी कि उसका URL पेस्ट किया मैंने, तो उस लिहाज से ये पिक्चर डायरेक्ट हमारे पास कहाँ से सर्वर से आ रही है, ठीक है। और इसके बाद आता है हमारे पास कि हम इमेज को एनिमेटेड यानी एनिमेट भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए एक एनिमेट इमेज चाहिए होगा हमें, यहाँ पर मैं कोर्स देख लेते हैं VR, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, एनिमेटेड इमेज लगाना है कहाँ पे, अपने सोर्स में। तो इसके लिए क्या होगा, हम एनिमेटेड इमेज जैसा पड़ा है मेरे पास, तो उसका नाम ये है फ्लैग अंडरस्कोर पाकिस्तान, और इसका जो एक्सटेंशन होती है वो जीफ होती है, ठीक है। और आर्ट क्या है, क्योंकि ये हमारे पास पाकिस्तान का फ्लैग है तो हम पाकिस्तान फ्लैग लिख लेंगे, ठीक है। और इसकी विड्थ हाइट भी सेट करनी है, तो स्टाइल के एट्रीब्यूट लेंगे, ठीक है। और इसमें हम इसकी विड्थ एंड हाइट सेट कर देंगे, इसकी विड्थ क्या है जी, कुछ भी रख लें 180 पिक्सल रख लें, और 150 रख सकते हैं। इसकी हाइट वो रखते हैं जी 50 पिक्सल, तो फ्लैग है तो हमारे पास इस तरह डिस्प्ले होगा। अब देखते हैं ब्राउज़र में, तो मैंने रीलोड किया तो मुझे देखिए एंड में हमारे पास फ्लैग नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये एनिमेट भी कर रहा है, हालांकि इसका जो सिंटैक्स है हमारे पास वो सेम एज इट इज़, जो हमने अबाव जो यूज़ किया है हमने उसी तरह दिया है, लेकिन फिर भी हमारे पास वो इमेज क्या कर रहा है, एनिमेट कर रहा है, ठीक है। तो दूसरी जो हमारे पास बात आती है वो हम क्या कहते हैं, हम पहले भी ये पढ़ा है कि हम इमेज को एज ए लिंक यूज कर सकते हैं, हमने लिंक से पढ़ा था, ठीक है। इमेज को हम लिंक कैसे यूज करते हैं, तो इमेज का जो है ना जो भी यानी इमेज हमारे पास है उसको क्या करेंगे, हम लिंक के अंदर में देंगे उसको स्टोरेज वाले, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इमेज है ऊपर वाला इमेज ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर फ्लैग कर लेते हैं तो इस इमेज को मैं चाहता हूँ कि ये इस पर जब क्लिक हो तो हमारे पास कोई वेब एड्रेस ओपन हो, ठीक है। तो एड्रेस एक टैग के अंदर अगर हम उस इमेज को दे दें तो क्या होगा, हमारे पास उसके ऊपर लिंक लग जाएगा, ठीक है। एड्रेस में कुछ भी आप दे रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी वेबसाइट का लिंक दे देता हूँ, ठीक है। तो जब ये इमेज पर क्लिक हो तो क्या हो, हमारे पास ये वेबसाइट ओपन हो जाए, ठीक है। तो उसको मैं लिंक दे दिया, सेव करता हूँ, तो हमारे पास दो प्लान जो हो गया, पहला फ्लैग है उसमें मैं लिंक नहीं लगाया था, उसके कर्सर हैंड में चेंज नहीं हो रहा। सेकंड फ्लैग है उसमें कर्सर क्या होगा,
हैंड में चेंज होगा, और अगर उसको क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जो मैंने लिंक लगाया अपनी वेबसाइट का वो हमारे पास ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप इमेज के ऊपर भी लिंक लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास आता है कि इमेज नोटिंग, यानी कि दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि स्टाइल के एट्रीब्यूट के अंदर फॉर एग्जाम्पल इंडेक्स पर 9 है, ठीक है, या उससे पहले कोई है, तो इसमें क्या होता है इमेज के ऊपर एक बॉर्डर शो हो जाता है। उस बॉर्डर खत्म करने के लिए आप बॉर्डर हमेशा क्या करेंगे, 0 कर देंगे, ताकि हमारे पास क्या वो जो बॉर्डर है वो शो ना हो। ठीक है, बॉर्डर कैसा किया मैंने, ज़ीरो कर दिया। ठीक है, तो अगर इंटरस्टोरल 9 आप यूज़ कर रहे होंगे तो उसमें क्या होगा, हमारे पास एक बॉर्डर शो होगा इमेज के, ये इससे बचने के लिए हमने उसको क्या कहा बॉर्डर का कर दिया, 0 कर दिया। ठीक है, तो दूसरी ये हमारे पास उसके बाद बात की वो कि इमेज को हम फ्लोट भी कर सकते हैं। तो फ्लोट किस तरह, हमने फ्लोटिंग प्रॉपर्टी पढ़ी है, अभी अगर नहीं पढ़ी तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। फ्लोट से मतलब होता है कि हम इमेज को सिमेज में मूव करवा सकते हैं, लेफ्ट में या राइट में। ठीक है, तो इसमें हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने एग्जाम्पल कॉपी किए उसको मैं पेश करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल आ गई, इसमें क्या किया है, इमेज लिया है एस आर सी, जो भी हमें इसका जो नाम देना है, फॉर एग्जाम्पल इमेज डॉट पी एन जी कर देते हैं, जो हमारे पास पड़ी हुई पिक्चर। ठीक है, तो इसका जो भी नाम देना चाहते हैं कर लें। ठीक है, तो इसकी वेबसाइट सेट की है और इसको फ्लोट मैंने क्या किया है, राइट किया है। ठीक है, अगर ये इसको पेज पी के अंदर लिया हुआ हमने, तो जो इमेज है हमारे पास वो लेफ्ट पे राइट पे शो होगा, जो टेक्स्ट है हमारे पास वो लेफ्ट पे शो होगा। इसी तरह नीचे जो मैंने लिया हुआ है वो भी ऐसे ही है, तो इसको मैं चेंज करता हूँ, इमेज डॉट पी एन जी, जो हमारे पास ये इमेज पड़ा हुआ है इसका नाम हम यही जाने देते हैं, मतलब नहीं इसको फ्लोट क्या किया मैंने, लेफ्ट किया हुआ है। ठीक है, ये हमने इसको का मतलब क्या है कि मैं लेफ्ट साइड पर शो होगा, जो टेक्स्ट हमारे पास है वो राइट साइड में चला जाएगा। ब्राउज़र में चेक करते हैं, तो उसकी इमेज हमारे पास अभी नहीं शो हो रहा, इमेज डॉट पी एन जी। तो वो इमेज हमारे पास शो हो गए, यानी ये लेफ्ट राइट साइड, पहले हमने क्या सेट किया हुआ है कि टेक्स्ट जो हमारा है वो कहाँ पे शो हो, राइट साइड पे, जो इमेज है वो राइट साइड पे, टेक्स्ट लेफ्ट साइड पे, तो टेक्स्ट क्या है लेफ्ट साइड पे शो हो रहा है ये वाला। ठीक है, ऊपर वाला पैराग्राफ, और जो इमेज है वो राइट साइड पे जो शो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह हम क्या क्या सेट करेंगे, दूसरा इमेज है उसको हमने लेफ्ट साइड पे शो कराया फ्लोट, और टेक्स्ट क्या हो गया ऑटोमेटिकल टेक्स्ट राइट साइड पे मूव कर गया। ठीक है, इस तरह हम इमेज को फ्लोट ही कराते हैं। तो जो जो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है इमेज मैप, कि हम इमेज के ऊपर मैप कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो इमेज के ऊपर मैप लगाने के लिए हम मैप का टैग यूज करते हैं, और उस टैग में क्या यानी कि एक हमने यूज मैप का नाम से यानी कि आई से हो जैसे हम आई डी देते हैं, वैसे यूज मैप के नाम से इसको देंगे आईडी, और उसको जो नेक्स्ट पीस पर हमने के एरिया यहाँ पे डिफाइन करना है, तो उसमें एरिया डिफाइन करने के लिए हम क्या एरिया का टैग यूज़ करेंगे, और उस टैग में हम इनके फोर्स यानी कि जो हमने उसमें लेफ्ट से राइट से यानी कि उसको विड्थ हाइट सेट करनी है वो कर देंगे, और उसमें जो भी हम लिंक लगाएंगे वो हमारे पास एज इट इज़ ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए भी एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, एग्जांपल के लिए हम आइए बल्कि इसको क्लियर कर दें, अच्छा कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं आई एम जी एस आर सी, और इसको रख लेते हैं प्लैनेट डॉट, क्योंकि कोई हमारे पास ये डेस्कटॉप पे इमेज पड़ा है उसका नाम ये है, और इसका आर्ट भी लिख देते हैं कि ये एक प्लैनेट है। ठीक है, तो
उसके बाद हमारे पास आता है यूज मैप के नाम से एक टैग होता है, ठीक है। तो उस टैग को यूज़ करते हुए हम उस मैप का आईडी देंगे, इसे यहाँ पे प्लेनेट मैप कुछ भी नाम रखते हैं आप, मैंने ये रख दिया। उसके बाद इसको स्टाइलिंग थोड़ी सी कर दें कि इसका स्टाइल वगैरह सेट हो जाए, तो विड्थ हाइट वगैरह सेट करने के लिए। तो इसकी विड्थ हम कर देते हैं 185 कर लें, चलो मैं 145 कर रही हूँ, क्योंकि इमेज के लिहाज से ये सेट होगी। और इसमें ये तो होगी विड्थ हमारे पास, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आती है हाइट, और वो हम सेट करते हैं 126 PS, क्योंकि ये इमेज के लिहाज से मैं सेट कर रहा हूँ कि इमेज का साइज जो है ताकि वो हमारे पास फिट नज़र आए, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर लिया, एक इमेज लिया उसको देखता और देखते हैं ब्राउज़र में, क्योंकि हमारे पास एक इमेज शो हो रहा है, ठीक है। उसके ऊपर बहरहाल कर्सर लेके जाएँ तो हैंड में ये कन्वर्ट हो रहा है, हमें यूज मैप का इसमें एट्रीब्यूट यूज़ किया है। इसमें नेक्स्ट जो हमें लेना है वो क्या लेना है, इसमें मैप का टैग लेना है, ठीक है। मैप नेम ओके, हमने ऊपर वो नेम जहाँ दिया हुआ है आईडी की तरह, तो वो उस यानी कि हम नेट मैप जैसे ऊपर दिया है वो दे देंगे, और मैप का टैग को क्या कर देंगे नीचे क्लोज कर देंगे, ठीक है। मैप क्लोज, और इधर हम यानी कि अपना वो एरिया डिफाइन करेंगे, हमें कौन कौन से एरिया पे लिंक लगाना है, ठीक है। उसके लिए मैं एग्जांपल एज इट पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसमें हम एरिया का टैग लेते हैं, शेप जो भी रेक्टेंगल है इसमें सेट की हुई है, और इसकी यानी कि शेप होगी रेक्टेंगल होगी, और इसमें फोर्स जो हमने डिफाइन किए हुए हैं कि ये लेफ्ट से राइट से टॉप से बॉटम से यानी कि टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से हैवी साइड क्या सेट करनी है, उसमें इस हिसाब से वो क्या हो गया हमारे पास पैडिंग आ जाए या कह लो कि मार्ज पैडिंग कह लें, वो इस तरह जो हमारा कर्सर है या वो हमारा लिंक है वो मूव कर जाएगा। इसमें आर्ट सन दिया हुआ है और सन डॉट जो भी हम इधर लिंक लगाना चाहें वो लिंक लगा सकते हैं अपना, HTML का लगा लें या वेब का लगा लें, ठीक है। तो इसी तरह जो दूसरा है एरिया शेप उसकी सर्कल ली हुई है, उसके कोड और इसके कोड हमने सर्कल के तीन डिफाइन किए हैं 90, 58 और 3, और इसमें नीचे वाले में इसी तरह वो यानी कि हमने कोड यूज किए हैं और इसको अच्छे रेफरेंस बताया, ये हमारे पास सर्कल में से होगा, ऊपर वाला हमारे पास किस में से होगा रेक्टेंगल में से होगा, ठीक है। तो इसमें हम इसको रीलोड करते हैं पेज को, तो अब हमारे पास इमेज है वो अगर हम उसके ऊपर कर्सर लेके जाएँ तो अगर हम जिस पे लिंक पे फॉर एग्जाम्पल नीचे पेज पे गोल करें पेज के बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे, तो अगर हम कर्सर लेकर जा रहे हैं सन पे या मरकरी पे या किसी भी तो नीचे उसका यूआरएल यानी कि चेंज हो रहा है, क्योंकि तो हमने इस पर लिंक लगाए हैं। अगर हम सन पे क्लिक करेंगे तो सन डॉट HTML का पेज खुल जाएगा, ठीक है, जो भी हमने सेट किया होगा। अब इसमें मरकरी पे क्लिक करते हैं तो मरकरी डॉट HTML खुल जाएगा पेज, और अगर इसके वेनिस पे रहते हैं तो वेनिस, बाकी अगर आप कहीं भी क्लिक करें तो वो कुछ भी नहीं ओपन नहीं होगा, यानी कि वो उस पर लिंक अब बाई डिफ़ॉल्ट जो मैं वेबसाइट करवाया वो ओपन हो जाएगा, लेकिन अगर हम स्पेसिफिक जगह पर जाकर क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो हमारा स्पेसिफिक यूआरएल ओपन होगा, ठीक है। ये था जी इमेज मैप, और ये था इमेज HTML इमेज, लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में लॉक।